छत्तीसगढ़ में घरों की दीवारों पर माओवादियों ने क्या लिखा है? चुनाव कर्मियों को मतदान केंद्र ले जाते हेलीकॉप्टर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां आखिरी चरण में हैं। यहां सोमवार यानी 12 नवंबर को 18 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। इसके बाद 20 नवंबर को बाकी 72 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके मद्देनजर चुनाव से दो दिन पहले शनिवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर मतदान कर्मियों के दलों को पहुंचाने का काम करते रहे। नारायणपुर जिला प्रशासन के अनुसार रविवार को भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि यहां कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां आवाजाही का कोई और साधन नहीं है। ये वो इलाके हैं जहां माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर के सुदूर इलाकों में बहिष्कार का खासा असर रहा और कई इलाकों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और उम्मीदवार प्रचार के लिए नहीं जा सके। दीवारों पर बहिष्कार के नारे। पिछले विधानसभा चुनावों में बस्तर संभाग के 2634 मतदान केंद्रों में से 68 ऐसे थे जहां एक भी वोट नहीं पड़ा था, जबकि 80 ऐसे केंद्र थे जहां 20 से भी कम वोट पड़े। बीजापुर के भोपालपट्टनम के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पीताम्बर पटेल ने BBC से कहा कि अंदरूनी इलाकों में माओवादियों ने स्कूल की दीवारों पर बहिष्कार के नारे लिखे हैं और पर्चे भी लगाए हैं। इन पर्चों में भाजपा सरकार को मजदूर और किसान विरोधी बताया गया है और लोगों से सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने की अपील की गई है। पटेल कहते हैं कि पिछले चुनाव में जिन जगहों पर एक भी वोट नहीं पड़ा था, वहां मतदान दहाई के अंक तक भी पहुंचता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। उनके मुताबिक पिछले विधानसभा चुनावों में बीजापुर में सिर्फ 45% मतदान ही दर्ज किया गया। बीजापुर ही वो जिला है जहां पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा वोट नोटा NOT पर पड़े थे। इसी तरह दंतेवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी और महेंद्र कर्मा की विधवा देवती कर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भीमा मंडावी को 5987 मतों से हराया था। दंतेवाड़ा में नोटा पर 9677 वोट पड़े थे। बारूदी सुरंगों का जाल। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि माओवादी ही ग्रामीणों से कह रहे हैं कि वे वोट देने पर मजबूर किए जाएं तो नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का बटन दबाएं। पटेल कहते हैं कि माओवादियों ने मतदान में रोड़े अटकाने और सुरक्षा बलों पर हमले करने की योजना बनाई है और अंदरूनी इलाकों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है, इसलिए संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा जा रहा है। चुनाव बहिष्कार करने की अपील करता माओवादियों का एक पर्चा अब तक बस्तर समेत आसपास के 7 जिलों के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त 550